धरती का एक पूरा चक्कर कितने किलोमीटर का होगा? क्या हम इस दूरी को एक छड़ी की मदद से नाप सकते हैं? या दूसरे शब्दों में कहें तो क्या हम पृथ्वी की परिधि या सरकमफ्रेंस को एक छड़ी से नाप सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल भी है? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है और आज हम यही करने वाले हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं हूं कमल निषाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डियर मास्टर। तो क्या ये सच में मुमकिन है कि एक छड़ी की मदद से पूरी पृथ्वी को नापा जा सकता है? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है और हम कोई पहले शख्स नहीं है जो ये करने वाले हैं, बल्कि आज से करीब 2000 साल पहले, जब गूगल मैप जैसी सुविधाएं हमारे पास नहीं थी, उस समय भी एरोस्थेनेस नाम के व्यक्ति ने पृथ्वी को नापने का तरीका खोजा था और उन्हें ही जियोग्राफी का फादर कहा जाता है। तो आइए आज हम उनके तरीकों को थोड़े फेरबदल के साथ इस्तेमाल करें और धरती की परिधि को नापें। तो आइए पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कैसे छड़ी की मदद से हम पूरी पृथ्वी को नाप सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक धरती दिखाई दे रही है, यानी जमीन, जो कि पूरी सीधी है। ऊपर से आपको दिखाई दे रहा है, ये जो येलो रंग में है, ये है सूरज की किरणें, यानी कि सनरेस। और यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये है दो छड़ी जो अलग अलग शहरों में रखी गई हैं। ओके, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि सूरज की किरणें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, यानी कि सूरज की किरणें जैसी यहाँ पड़ रही हैं वैसी ही वहाँ भी पड़ रही हैं। ओके, ये दोनों शहर के बीच काफ़ी दूरी हो सकती है और आप देखेंगे कि शेडो दोनों जगह पर बिल्कुल एक जैसा बन रहा है, यानी दोनों जगह पर छड़ी की परछाई बिल्कुल एक सी है। अब ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि धरती पूरी तरह सीधी है। सीधी होने पर आपको दोनों शेडोज एक जैसी दिखाई दे रही हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। धरती सीधी होने की बजाय गोल होती है, यानी कि फ्लैट नहीं होती और सर्कुलर होती है। तो इस वजह से जब हम देखेंगे कि धरती सर्कुलर है तो क्या हो रहा है, आपने देखा कि यहां पर ये शैडो अब दोनों जगहों पर बदल गई, यानी कि अलग अलग शहरों में एक जैसी छड़ी को अगर हम खड़ा कर दें और एक ही टाइम पर अगर हम दोनों को ऑब्जर्व करें या देखें, तो हमें पता चलेगा कि दोनों की शैडोज जो हैं वो एक सी नहीं आ रही हैं। किसी शहर में वो शैडो बड़ी हो सकती है और दूसरे ही शहर में वो शैडो छोटी हो सकती है। तो अब यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि दो शहरों के बीच की दूरी के अकॉर्डिंग इनकी शैडो में भी बदलाव आ रहा है। तो इसी बदलाव का फायदा उठाकर हम इसका पता लगा सकते हैं कि धरती की गोलाई कितनी है, यानी कि धरती का सरकमफ्रेंस या फिर उसकी परिधि कितनी है। तो एरेस्टेस्थेनेस के तरीके को यूज करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ उनकी लिस्ट है, हम देखते हैं। पहला, हमें छड़ी चाहिए। एक समान ऊंचाई की दो छड़ी मिल जाए तो बेहतर होगा। दूसरा, हमें दो शहरों के बीच की सही दूरी का पता करना है और उन शहरों के बीच में कम से कम 400-500 किलोमीटर की दूरी हो तो अच्छा होगा। तीसरा, हमें गणित यानी कि मैथ की जानकारी होनी चाहिए। और चौथा है, हमें नापने के लिए टेप और नोटबुक, पेन, पेंसिल, इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। हमने दो शहरों को चुना है, अमृतसर और भोपाल। इनके बीच की दूरी है 966 किलोमीटर, यानी 966 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमने जो दो शहरों को चुना है, इन दोनों शहरों में हमने एक एक छड़ी को खड़ा किया। ये जो पहली छड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये है 315 सेंटीमीटर की, जो कि हमने अमृतसर के एक पार्क में लगाया था। और दूसरी छड़ी जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो हमारे एक साथी ने भोपाल में वहाँ किसी खुली जगह पर इसको जमीन पे सीधा खड़ा किया था, जो कि सेम हाइट की है, यानी कि 315 सेंटीमीटर, जैसा कि हमारी यहाँ अमृतसर वाली छड़ी है। ओके, तो दिन का वक्त जो हमने चुना था, जिस टाइम सूरज हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है, वो वक्त था 12:19:30। और इसके लिए हमने जो दिन चूज किया था वो था मंडे 22 अप्रैल 2019। तो ये आंकड़े उसी दिन के हैं। तो आप देख सकते हैं कि ठीक एक ही टाइम पर दोनों जगहों पर जो हमने शेडों को नापा,
तो हमें नतीजे जो है वो अलग अलग मिले, यानी कि अमृतसर में जो शैडो थी वो थी 116.5 सेंटीमीटर और भोपाल में जो हमें शैडो मिली है वो है 65 सेंटीमीटर। तो अगर आप इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं और दो छड़ी के साथ आप इसको ट्राई करके देखने वाले हैं तो ध्यान रखिएगा कि शैडो को नापते वक्त काफ़ी प्रिसाइजली बहुत ध्यान से आपको इसको नापना होगा। थोड़ा सा भी गड़बड़ आपने किया तो आपका रिजल्ट जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। हालांकि 100-200 किलोमीटर के फर्क में कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं होगा क्योंकि हम पूरी पृथ्वी को नाप रहे हैं, तो 100-200 या 300 किलोमीटर का फर्क जो है ये बहुत बड़ा फर्क नहीं माना जाएगा। पर फिर भी अगर आप इसको यूज़ करने वाले हैं तो बहुत ध्यान से इसको नापिएगा ताकि रिजल्ट जो है एक्यूरेट आए या बहुत करीब आए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमने दो छड़ी अलग अलग शहरों में लगाया और उसके बाद जो शैडो हमें प्राप्त हुई ठीक एक ही समय देखने पर वो अलग अलग है, यानी कि 116.5 अमृतसर में और 65 ये हमें मिला है भोपाल में। तो अब हमें करना ये है कि सनरेस और छड़ी के बीच जो एंगल बन रहा है हमें उसको नापना है। तो ये एंगल जो हमें मिल रहा है वो है 20.30। तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर भोपाल में तो सनरेस और छड़ी के बीच जो हमें एंगल मिल रहा है वो है 11.66 डिग्री का एंगल मिल रहा है। तो हमें दो अलग अलग एंगल प्राप्त हुए हैं। इन एंगल्स के बीच जो हमें डिफरेंस मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि इन दोनों शहरों के बीच में एक बड़ा फासला था, यानी 966 किलोमीटर का। और हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आप दो शहरों को चुन रहे हैं तो आपको उनके बीच की सीधी दूरी का पता लगाना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस या ट्रेन की दूरी को ही यहाँ पर इस्तेमाल करें क्योंकि वो दूरी बिल्कुल सीधी नहीं होती है, वो टेढ़ी मेढ़ी होती है अलग अलग रास्तों से गुजरते हुए, तो उससे यहाँ पर आपको सही रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो 966 किलोमीटर अमृतसर और भोपाल के बीच की सीधी दूरी है। ओके, और एक बात और आपको बता दें कि हमने भोपाल ही क्यों चुना, क्योंकि हमें बेहतर रिजल्ट के लिए या तो भूमध्य रेखा के आसपास का कोई शहर लेना होगा या तो फिर हम कर्क रेखा के आसपास का कोई शहर भी ले सकते हैं, और भोपाल जो है ये उन्हीं में से एक है, तो इसीलिए हमने भोपाल को चुना। तो अब हम देख रहे हैं कि हमें दो नतीजे प्राप्त हुए हैं, 20.3 और 11.66। अगर हम इन दोनों को आपस में माइनस करें यानी घटाएं तो हमें इन दोनों के बीच का फर्क मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर इसको माइनस करते हैं तो हमें जो डिफरेंस मिल रहा है वो है 8.64। तो 8.64 डिग्री एंगल बनता है 966 किलोमीटर से। तो इसको समझने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको ये दूसरा ग्राफिक दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे इस पूरी पृथ्वी पे, ये जो हरे कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये पृथ्वी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है वो है 8.64 जो हमें अभी अभी मिला था। 8.64 डिग्री एंगल से 966 किलोमीटर की दूरी का पता चलता है। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं कि एक डिग्री एंगल में कितने किलोमीटर बनेंगे, एक डिग्री में कितने किलोमीटर का फासला बनेगा। तो 966 से हम लोग इसका पता लगा सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं, अगर 966 किलोमीटर 8.64 डिग्री एंगल से बनते हैं तो फिर एक डिग्री से कितने किलोमीटर बनेंगे, इसके लिए हमें भाग देना होगा 966 में 8.64 का, और हमें जो नतीजा मिल रहा है वो है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक डिग्री एंगल में 111.80555555556 ये किलोमीटर हमें मिल रहे हैं। अगर हम इसे एक मोटे मोटे हिसाब में देखें तो 111 किलोमीटर बन रहे हैं एक डिग्री एंगल में। ओके, तो हम फिर से अपने पुराने ग्राफिक पर जाते हैं और यहाँ पर इस 8 के डिग्री के बजाय हम इस एक डिग्री को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि एक डिग्री का एंगल जो है वो 111 किलोमीटर की दूरी बताता है। तो ये जो येलो कलर की लाइन आपको दिख रही है ये 111 किलोमीटर है। अब अगर हम इसे बार बार रिपीट करें एक डिग्री के साथ, यहाँ पे हो जाएगा 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, और इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा, और एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है जैसा कि आपको पता है। तो 360 डिग्री के सर्कल में हमें जो नतीजा मिल रहा है वो है 40,250 किलोमीटर। हम इसे गुणा करके इस तरह निकाल सकते हैं कि 360 डिग्री में
किलोमीटर का गुणा किया जो एक एंगल से मिला था, और जो नतीजा हमें मिला है वो है 40,250 किलोमीटर। तो ये रिजल्ट हमने निकाला है सिर्फ छड़ी और उसकी परछाई को देखकर। अब हम देखते हैं कि गूगल इस बारे में क्या कहता है। जब हम गूगल पे चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें नतीजा मिलता है अर्थ सरकमफ्रेंस में 40,075 किलोमीटर। तो इससे आप समझ सकते हैं कि 40,075 किलोमीटर का नतीजा जो है वो साइंटिस्टों ने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीनों और कैलकुलेशन से निकाला है, और ये नतीजा उनका ज़्यादा एक्यूरेट होगा 40,075 जो आप देख रहे हैं। लेकिन जो नतीजा हमने निकाला है 40,250, ये उस वैज्ञानिकों वाले नतीजे के बिल्कुल करीब है। तो बिना किसी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल के अगर हम इस नंबर को प्राप्त कर पाए हैं, यानी इसको हासिल कर पाए हैं, तो ये भी कोई गलत नहीं है और ये हमारे ओरिजिनल नतीजे के बहुत करीब है। तो आपने देखा कि कैसे हमने सिर्फ छड़ी परछाई जैसी छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करके धरती की पूरी परिधि को नाप लिया, यानी कि धरती के पूरे चक्कर को लगाने में कितने किलोमीटर की दूरी लगेगी हमने इसका पता लगाया है सिर्फ छड़ी और परछाई देखकर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ और भी पूछना है। तो हम ऐसे ही और भी जानकारी भरे वीडियोज़ आपके सामने लाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देखते रहिए हमारा चैनल डियर मास्टर।